पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर के अनुसार पृथ्वी शो भविष्य में भारत के लिए कप्तानी के दावेदार हो सकते हैं। गंभीर ने हार्दिक पांड्या को भी चुना, जिन्होंने पहले 3-2-0 में भारत का प्रबंधन किया था भारत के भविष्य के कप्तान के रूप में, लेकिन शो अधिक वामपंथी पसंद थे क्योंकि वो जुलाई 2021 से भारत के लिए नहीं खेले थे। हार्दिक को रोहित शर्मा के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया है। कम से कम 3-2-0 आय में पिछले महीने के T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत के बाहर होने के बाद समय के साथ उन्हें कप्तान के रूप में कुछ अनुभव भी प्राप्त हुआ। मई में उन्होंने पहली बार गुजरात टाइटंस को अपना पहला IPL खिताब दिलाया और फिर भारत को आयरलैंड के दौरे पर 3-2-0 में पहली बार 2-0 से सीरीज जीत दिलाए। हाल ही में उन्होंने रोहित, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे उच्च रैंकिंग वाले खिलाड़ियों के बिना न्यूजीलैंड में 3-2-0 आई में भारत को 1-0 से श्रृंखला जीत दिलाए। गंभीर ने रविवार को नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, हार्दिक पांड्या जाहिर तौर पर ऑनलाइन है, लेकिन ये रोहित के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा क्योंकि मुझे लगता है कि किसी एक ICC इवेंट में उसे जज करने का ये सही तरीका नहीं है। दूसरी पसंद, शो पिछले एक साल से भारत की दूसरी श्रेणी की टीम में भी नियमित स्थान पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और गंभीर ने यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि वो शो को नौकरी के संभावित दावेदार के रूप में किस प्रारूप में देखते हैं। कप्तान, अपने छोटे से करियर के दौरान शो को 1 से अधिक मंदी का सामना करना पड़ा। 2019 में डोपिंग उल्लंघन के लिए प्रतिबंधित किए जाने के बाद से उनकी फिटनेस और जीवन शैली के मुद्दे गहन जांच के दायरे में आ गए हैं।